हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शिक्षण टॉपिक पर, और शिक्षण टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांतों पर। शिक्षण के जो दो सिद्धांत हैं, वो कैटेगरी अगर हम बात करें तो कैटेगरी आपके सामान्य सिद्धांत, और दूसरे हैं आप लोगों का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो दोनों जो टाइप के हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इन दोनों टाइप्स पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य सिद्धांत में सबसे पहले आता है दिशा का सिद्धांत। लक्ष्यों और उद्देश्यों का सिद्धांत शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि उद्देश्य हमारे शिक्षण को दिशा देते हैं। जब हम दिशा की बात करते हैं तो एक डायरेक्शन का जो हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे उद्देश्य हैं वही हमारे शिक्षण को दिशा देते हैं। यह उद्देश्य बताता है और बताता है कि इन शिक्षण कृत्यों के बाद शिक्षार्थी क्या करने में सक्षम होगा। तो इसका जो आउटकम होगा, कि मीन्स हम किधर को, हमारे जो लक्ष्य होंगे, जो एम्स ऑफ एजुकेशन होंगे, और उसका जो आउटकम होगा, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। मीन्स हमारा जो डायरेक्शन है वो किधर को है, डायरेक्शन किधर को होगा, जहां हमारा एम होगा, और एम से हमारा आउटकम निश्चित होता है। इसके बाद दूसरा आता है आप लोगों का करके सीखने का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि स्व सीखना, मीन्स जो सेल्फ लर्निंग है, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आप लोगों को मैं इसीलिए काफी सारी चीजें बता चुका हूँ, जो कोर्स में मैंने आप लोगों को टेक्निक्स बताई हैं, कि जैसे आप लोगों को कार्ड्स बनानी बनाने हैं। कई बार क्या होता है कि हम एज अ टीचर हम सिद्धांतों को सिर्फ सीखते रहते हैं, किताबों को पढ़ते रहते हैं, और हम खुद पर ही उसका एप्लीकेशन हम नहीं देखना चाहते, या हम करते ही नहीं उसे अप्लाई। तो पहली चीज जो हमारे सेल्फ स्टडी है, वो दुनिया की सबसे बेस्ट चीज है। ठीक है, आपके पास नोट्स हैं, आप चीजों को सीख रहे हैं, इवन जब आप वीडियो कोई और आपको सिखा रहा है, उसके बाद भी आप लोगों को ये जरूर ट्राई करना चाहिए कि आप उस टॉपिक को अपने लेवल पर कैसे सीख सकते हैं। तो जो हमारा सेल्फ लर्निंग है, खुद से सीखना, स्व सीखना है, वो सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए जो करके सीखना है वो बहुत अच्छा है। अब जब हम बात करते हैं पढ़ाने में, तो यहाँ पे गतिविधियां या एक्टिविटीज जरूर ऐड करनी चाहिए। मीन्स अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे पढ़ने के बीच बीच में अगर उसमें एक्टिविटीज आप डाल देंगे, जैसे मैंने आप लोगों को एक एक्टिविटी बताई थी कार्ड्स वाली, ठीक है, उसके बाद है कोरिलेशन का, कि आप चीजों को कोरिलेट करते हैं, या जैसे आप लोगों को क्या करना है, चीजों के साथ में रीजनिंग का यूज करना है, तो वो चीजें आप लोगों को क्या करेंगी, ये चीजों को आकर्षक बना देती हैं पढ़ने के लिए, या जो हम स्टडी करते हैं उसको इंटरेस्टिंग बना देते हैं। उसके बाद रुचि और जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। अब देखिए, इस ये भी बहुत मींस इंटरेस्टिंग चीज है, कि जहां पे हमारा इंटरेस्ट होता है वहां पर हम अच्छी तरीके से सीखते हैं। दूसरा, जीवन से जुड़ाव, मतलब अगर हम वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण अगर बच्चे को देते हैं, या उस बच्चे से ऐड कर लेते हैं, जैसे कि आप क्लास में क्या कर रहे हैं, धान के बारे में कुछ आपको पढ़ाना है सपोज कीजिए, या आपको गेहूं के बारे में कुछ पढ़ाना है, तो आप बच्चों से उन चीजों को मंगा सकते हैं, या उनको कह सकते हैं कि घर में जाके इन चीजों के बारे में अपने दादा दादी से पूछिए, उन लोगों को क्या है जिनको जिन्होंने खेती की होगी, वो बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को खरीफ की फसल, जायद की फसल, ये चीजें पता ही नहीं चलती हैं, तो अगर आप घर वालों से बात करवाएंगे बच्चों की, तो वो बहुत अच्छे से चीजों को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जीवन से अगर जुड़ाव किसी चीज, देखिए यही हम अपनी स्टडी में कैसे यूज करेंगे, कि सपोज कीजिए कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, या डेट ऑफ ईयर पता है, तो आप उसे किसी चीज से क्या कर लीजिए, एक तरह से रिलेट कर लीजिए, कोरिलेशन जो मैं आपको अभी बताया था, कोरिलेट करते हुए चीजों को चलेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको ज्यादा लंबे टाइम तक याद होती है। निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। शिक्षण की शुरुआत लक्ष्य और उद्देश्य को परिभाषित करने से होती है। जब आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया होगा, तो उसमें सबसे पहले क्या बताया जाता है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको ऑब्जेक्टिव सबसे पहले लिखने होते हैं। तो वो क्यों लिखने होते हैं, वो इसीलिए होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत का ही है, कि आपको एक निश्चित लक्ष्य की क्या प्राप्ति आप करना चाह रहे हैं अपने शिक्षण से, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए प्रावधान का सिद्धांत, और एक जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, मीन्स हर इंसान, हर छात्र क्या है, अपनी बुद्धि
क्षमताओं, जो उसकी एबिलिटीज हैं, उसका एप्टीट्यूड है, दृष्टिकोण है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के मामले में अद्वितीय है। कहने का मतलब हर कोई यूनिक है, वो कोई गेम्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा हो सकता है, पढ़ाई में भी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है, तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। शिक्षक को पढ़ाते समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप जब भी टीचर बने, और शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए कि आप टीचर बने, तो जब आप क्लास में हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बच्चों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, आप ये मान के ना चलें कि अगर आपकी क्लास में सपोज कीजिए मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो मैं ये मान के ना चलूं कि सब इंग्लिश के ही टीचर बनेंगे, ठीक है। उनको हम एक जो एवरेज है, एवरेज तक हम क्या करें, ले आए उस बच्चे को, वो हमारी ड्यूटी है एज अ टीचर। लेकिन सभी को 100% करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप इस चीज को लेकर चलेंगे तो आप उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसके रिस्पेक्ट कर लेंगे एज अ टीचर, और उसे सिखा भी अच्छे से पाएंगे। चयन का सिद्धांत, ज्ञान का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, मीन्स हमें चयन करना भी आना चाहिए। शिक्षक को ऐसी सामग्री चुनने में सक्षम होना चाहिए जो शिक्षार्थी के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक, संक्षिप्त और अद्यतन हो, मीन्स हम क्या करें, टू द पॉइंट सामग्री का चयन करें और उसी से बच्चे को सिखाएं। नियोजन का सिद्धांत, प्लानिंग जो होती है वो बहुत जरूरी है, और शिक्षक के कुछ निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं। ध्यान दीजिए कि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर हमारी हर चीज क्या है, एक तरह से फिक्स है। हम क्या करेंगे, चीजों को एक एम, एक उद्देश्य के साथ में पढ़ा रहे होते हैं, इसलिए जो शिक्षण होता है वो बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। पाठ योजना में पाठ योजनाएं, शिक्षण सहायक सामग्री, रणनीतियां और शिक्षण के तरीके, ये सारी चीजें क्या होनी, पहले से हमारी योजना पूरी तरह से बनी हुई होनी चाहिए। विभाजन और पुनरीक्षण का सिद्धांत, सीखने को आसान बनाने के लिए विषय व्यक्ति को, जो विषय वस्तु होती है, मीन्स जो हमारा, हमें जिस जिस चीज को पढ़ाना है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उस चीज को हमें क्या करना है, ब्रेक करना आना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर को ब्रेक करना, ऐसे यूनिट्स में हम तोड़ पाए जिससे हम उसे अच्छे से क्या कर पाए, पढ़ा पाए, और उनके बीच में एक लिंक भी जरूरी होना चाहिए जिससे कि शिक्षार्थी उसको समझ पाए। अगर टॉपिक्स के बीच में लिंक ना हो तो उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब हम किसी ज्ञान को पढ़ा देते हैं, किसी नॉलेज को दे देते हैं, तो उसके बाद पुनरीक्षण करना भी बहुत जरूरी हो जाता है, मीन्स उसका हम टेस्ट करें, उस चीज को देखें कि कितना बच्चे ने सीखा है। सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत, कक्षा के माहौल को हास्य और रचनात्मकता के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए सिद्धांत आवश्यक है। जो भी हम पढ़ाएं उसमें सृजन हम जरूर करें और उसमें मनोरंजन का भी ध्यान रखें, जिससे कि बच्चों को इस चीज के, उस टॉपिक में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बना रहे। सक्रिय भागीदारी और भागीदारी का सिद्धांत, शिक्षण और सीखना जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, मीन्स बच्चे को हम सेंटर में रख के जो भी प्लानिंग करें वो बच्चे को हम सेंटर में रख के करें, जो हमारा स्टूडेंट है उसे सेंटर में रखकर करें। अब कुछ जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिनके बारे में हम इससे पहले भी, जब हमने साइकोलॉजिस्ट को पढ़ा है उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। तत्परता का सिद्धांत, यह सिद्धांत बताता है कि एक शिक्षक को लोगों के मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण में अपने निर्देशों का पालन करना चाहिए। अवधारणा को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसे छात्र को बहुमत स्तर को ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब सीधा ये है कि जो बच्चा है उसके अंदर पहले हमें एक जो पूछने का, एक हम कह सकते हैं कि एक जिज्ञासा, जिज्ञासा हम उसके पहले जगा दें। अगर हमने क्या किया है, उसको जिज्ञासु बना दिया, उसके अंदर हम बच्चे के अंदर जिज्ञासा को लाना हम पूरा कर चुके हैं, और उसके अंदर जिज्ञासा है पढ़ने की, और हम इसको जगा सके। एक टीचर, ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा नहीं है तो हम उसे दोबारा उस तरह से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक अच्छे टीचर हैं तो हम जरूर उसके अंदर जिज्ञासा को जगा सकते हैं। संतुष्टि और प्रभाव का सिद्धांत, शिक्षक को छात्र को जो सीख रहे हैं उससे संतुष्ट होना चाहिए। बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब उन्हें सहयोग मिलता है और कार्य से संतुष्ट होने की भावना मिलती है। तो जैसे जैसे बच्चे को एक फीलिंग आएगी, संतुष्टि की फीलिंग आएगी टीचर के साथ में, तो बेहतर तरीके से सीखेगा। ध्यान का सिद्धांत,
शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सफल होने के लिए शिक्षक को छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए उचित प्रोत्साहन भिन्नता का उपयोग करना चाहिए और रुचि से रिलेटेड चीज उसको पढ़ानी चाहिए। और अगर वो रुचि से रिलेटेड चीज नहीं है तो बच्चे की जिस चीज में रुचि है उससे रिलेट करके हम उस चीज को पढ़ाएं। एक शिक्षक को ध्यान आकर्षित करने और बेहतर सीखने के परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्रों की रुचि को पहचानने का प्रयास भी करना चाहिए। बच्चे को जैसा इंटरेस्ट होगा अगर हम उससे रिलेटेड चीजें बता पाएं, और जैसे कि हम लैंग्वेज टीचर की बात करें तो लैंग्वेज टीचर के लिए ये इजी चीज है कि चीजों को कोरिलेट करना और उस तरह से सिखाना। प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा जैसे कि हमने कहा कि मोटिवेटेड बच्चा ही क्या कर सकता है, बेहतर तरीके से सीख सकता है। अब उसके बाद है समूह गतिशीलता का सिद्धांत। शिक्षकों को शिक्षण के विविध तरीकों का पालन करना चाहिए। समूह की गतिशीलता को समझने में शिक्षक को छात्रों के प्रयासों को बेहतर तरीके से समन्वित करने में मदद मिल सकती है। प्रोजेक्ट विधि द्वारा जो छात्रों में वांछनीय समूह व्यवहार विकसित करने के लिए एक उपयुक्त विधि है। तो अगर हम ग्रुप लर्निंग, इसे क्या कहा जाता है, ग्रुप लर्निंग कहा जाता है, और बच्चे इसमें बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं अगर आप इसे एक टूल की तरह यूज करेंगे और ग्रुप में ग्रुप बनाकर अगर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आता है बहुसंवेदी दृष्टिकोण का सिद्धांत। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, बोलकर पढ़ा रहे हैं, वो अलग चीज है। हम बोलने के साथ में पिक्चराइजेशन मेथड, जैसा मैंने आप लोगों को भी बताया है कि आप पिक्चराइजेशन कीजिए, चीजों को जब आप पिक्चराइज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को खुद भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जितने शिक्षण के सिद्धांत हैं इन्हें हम खुद पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं, मोशन पिक्चर का यूज कर सकते हैं, और जो प्रिंटेड जो चीजें हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। सहनशीलता, सहयोग, प्रशंसा का सिद्धांत। हमें या एक टीचर को क्या करना पड़ेगा, खुद सहनशील होना है, उसके साथ में सहयोगी एक हमारा स्वभाव होना चाहिए, और बच्चे को प्रशंसा तो बहुत ही प्रिय होती है और जिससे कि वो अच्छा सीख पाए। शिक्षण के चरण के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ से सबसे पहले क्या है, आप लोगों की तैयारी, प्रेपरेशन। आप देखिए थोड़ा सा ये चेंज हो गया है योजना और तैयारी में, तो प्रेपरेशन और प्लानिंग इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है कंपैरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ये स्टेप्स ऑफ टीचिंग से आप लोगों को इनको याद कर लेना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इनको आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना है। इंग्लिश का जो है वर्ड आप लोगों के मिसप्रिंट हो गए हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि हम प्रेपरेशन करें। सबसे पहले हम क्या करें, योजना बनाएं, सॉरी प्लानिंग करें, और उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है उसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद क्या है, आप लोगों को सबसे पहले जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए अगर योजना हमारे पास बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे से हम उस चीज को कर पाएंगे। टीचिंग के बारे में भी ये सारी चीजें काम करती है। अगर हमारे लेसन प्लानिंग जितनी अच्छी होगी उतने से अच्छे से हम पढ़ा पाएंगे। तैयारी, इसमें दूसरी चीज आ जाती है प्रेपरेशन, कि अब हम कैसे उसको प्रिपेयर करें। और शिक्षण प्रशिक्षण का आयोजन विशेष स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में होती है, जहाँ शिक्षक नई संभावनाओं की तलाश में आए छात्र छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से विषय वस्तु का ज्ञान देते हैं। ओके, तो ये टीचिंग का है। उसके बाद में क्या है, थर्ड है आपका प्रेजेंटेशन। जब तैयारी हो जाती है तो उसको उसको प्रदर्शन करना है, और अपनी योग्यता के अनुसार और क्षमता के अनुसार वह अपने विषय वस्तु को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ये भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण चरण है। उसके बाद आता है कंपैरिजन। तुलना भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे जिसके माध्यम से हमें अपनी गलती को सुधारने का मौका मिलता है। और जब हम शिक्षण प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसमें तुलना कर हम प्रथम कक्षा प्रदर्शन से दूसरी कक्षा प्रदर्शन को बेहतर और सारगर्भित, सुसंगत बना सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट टीचिंग की और उसमें हमारी जो गलतियां थी उससे हम सेकंड टीचिंग में उन चीजों को ना दोहराएं। सामान्यीकरण और जनरलाइजेशन, शिक्षण की प्रक्रिया में एक कक्षा प्रदर्शन का दूसरे कक्षा प्रदर्शन का तुलना कर सामान्यीकरण किया जाता है, जो शिक्षण को अधिक आकर्षक
बेहतर परिणाम दे सकता है। सामान्यीकरण जो होता है वो शिक्षण का महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें कक्षा प्रदर्शन परिणामों की का तुलनात्मक अध्ययन कर शिक्षण प्रक्रिया को एक बेहतर परिणाम देने वाला बनाया जा सकता है। तो जो भी हम टीचिंग करते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में हमने जो टीचिंग की है, फिर सेकंड क्लास में हमने टीचिंग की है, और थर्ड क्लास में हमने टीचिंग की है, जब तीन जगह हमने टीचिंग की है, तो उसके हमारे कुछ सेट रूल्स हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल है उन्हें हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब शिक्षण का जो उद्देश्य है वो समाज को क्या करना है, विकासशील बनाना है। शैक्षिक वातावरण समाज में विकसित करने में शिक्षकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नित्य नए सूचना और ज्ञान का सृजन कर देश और समाज का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्ति में नैतिक गुणों को विकास करना है एज ए टीचर, ये हमारी ड्यूटीज है। इसलिए शिक्षण में शिक्षक को अपनी योजना के अनुसार बेहतर नियमन, कक्षा प्रदर्शन का नित्य प्रतिदिन नए अनुप्रयोग, उनके एप्लीकेशन भी करना पड़ता है, जो चीज़ें हमने शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें सीखे हुए हैं, और शिक्षण प्रक्रिया में हमें नित्य नए अनुप्रयोग करने चाहिए एज अ टीचर। उसके बाद आते हैं शिक्षण प्रतिमान, जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ और परिभाषा देख लेंगे। तो प्रतिमान का अर्थ होता है किसी अमुक उद्देश्य के अनुसार किसी चीज को व्यवहार में लाने की प्रक्रिया। प्रतिमान शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, आप लोगों को ये ध्यान दे रहे हैं। आदर्श, कोई आइडियल चीज है उसके संदर्भ में, और किसी बड़ी वस्तु के छोटे आकार के रूप में, मीन्स एक मॉडल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रतिमान शब्द को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर उदाहरण की बात करें तो अध्यापक स्वयं भी एक मॉडल का काम करता है, जिससे विद्यार्थी उसकी अच्छी बातों और गुणों को सीख लेते हैं, बुरी बातों को छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शन हम दे सकते हैं। शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं देखते हैं, जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं। शैक्षिक प्रतिमान उच्च शैक्षिक वातावरण तैयार करने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हम बनाए या जो हम आइडल्स रखें वो क्या हो, उच्च उनका स्तर हो। शैक्षिक प्रतिमान छात्रों एवं शिक्षक के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं का निर्देश करते हैं, उससे गाइडेंस मिलता है। जो शैक्षिक प्रतिमान हम बनाते हैं उससे शिक्षक को भी और छात्रों को भी गाइडेंस मिलता है। शैक्षिक प्रतिमान शिक्षक के लिए मार्गदर्शक, एक गाइड का कार्य करते हैं, और उसकी जो कार्य योजना है उसका ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के कुछ निश्चित मूलभूत आधार होते हैं जिन पर केंद्रित होकर वह कार्य करता है। तो जो अगर हमारे जो भी मॉडल्स हम बनाएंगे मीन्स टीचिंग के लिए, उस पर हमें केंद्रित रहना होता है और उसी पर हमें काम करना होता है। शिक्षण प्रतिमान छात्रों और शिक्षकों का दोनों का वांछित अनुभव प्रदान करते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में कोई ना कोई दर्शन या फिलॉसफी अवश्य होती है। अब जैसा कि हमने फिलॉसफी में पढ़ा था कि जैसा हमारा जो एक आइडिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं। ऑलराइट, मींस उसी के अकॉर्डिंग हमें, मीन्स अपना जो आइडिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्रतिमान बनाएंगे, मॉडल्स बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, टीचिंग करेंगे। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का व्यवहारिक पक्ष माना जाता है। मीन्स एक तो होता है थ्योरी, लेकिन जब हम उसका एक मॉडल बना लेते हैं, जो मॉडल शिक्षण होता है उसको हम क्या करते हैं, व्यवहारिक पक्ष या उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसे माना जाता है। शिक्षण प्रतिमान दार्शनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, मीन्स ये दार्शनिक फिलॉसफी भी होती है और साइकोलॉजिकल चीजें भी इसमें ऐड की जाती है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को एक कला के रूप में, एज एन आर्ट, विकसित करने में सहायक होते हैं। जो भी हमारे मॉडल्स होंगे या प्रतिमान होंगे वो क्या करेंगे, टीचिंग को एक एज एन आर्ट डिवेलप करने में मदद करते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स को इसमें यूज किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान जो अधिगम सिद्धांत जो हमने ऊपर पढ़े हैं उनको यूज करेंगे, और शिक्षण प्रतिमान संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाने में सक्षम होते हैं। शिक्षण प्रतिमान मूल्यांकन की एक निश्चित कसौटी या क्राइटेरिया उपलब्ध कराते हैं। जो हमने मॉडल्स बनाए हैं, टीचिंग मॉडल बनाया है, मीन्स जो एक आइडियल्स बनाए हैं उसको, उसके लिए क्राइटेरिया भी उपलब्ध कराते हैं। शिक्षण प्रतिमान में छात्रों की रुचियों को का बेहतर प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक की व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने में पर्याप्त रूप से सहायक होते हैं। इसके मूल तत्व कौन कौन से, तो निम्नलिखित मूल तत्व होते हैं। पहली चीज है कि इसका जो फोकस पॉइंट है, जो लक्ष्य है वो ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरा इसका सिंटेक्स।
तीसरा है आपका सोशल सिस्टम एंड मूल्यांकन प्रणाली, इवेल्युएशन सिस्टम। इसमें पहली चीज है फोकस या ऑब्जेक्टिव आप इसे कहेंगे। एम्स जो है शिक्षण प्रतिमान का कोई ना कोई लक्ष्य उद्देश्य केंद्र बिंदु होता है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रतिमान का विकास किया जाता है। तो चार आप लोगों को याद रखना है इनमें से। दूसरा इसका जो संरचना है सिंटेक्स है वो किस तरह से है और ये शिक्षण विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए यूज किया जाता है। सामाजिक प्रणाली जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक प्रणाली शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य के अनुसार तय होती है। चूंकि प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य अलग अलग होता है इसलिए उसकी सामाजिक प्रणाली भी अलग अलग होती है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। कंडीशनिंग मॉडल में कक्षा में छात्रों के व्यवहार की स्वतंत्रता नहीं होती, उन्हें वैसा ही करना पड़ता है जैसा शिक्षक उसे चाहता है। दूसरे प्रतिमानों में पर्याप्त स्वतंत्रता दी जा सकती है, ठीक है, तो कंडीशनिंग मॉडल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है कि मूल्यांकन प्रणाली जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, इस सोपान में यह देखा जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए। इसमें दोनों तरह के जो मूल्यांकन प्रणालियां हैं उन्हें यूज किया जा सकता है, मौखिक और लिखित। शिक्षण प्रतिमान के जो प्रकार हैं उसमें से हम लोग देख लेते हैं। जो पहला है वो है आप लोगों का सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, और दूसरा है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल, व्यक्तिगत प्रतिमान, पर्सनल मॉडल, एंड चौथा जो है व्यवहार परिवर्तन प्रतिमान, बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। ये चार वर्गों के अंतर्गत जो शिक्षण प्रतिमान आते हैं उनका विवरण अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जो पहला है आधुनिक शिक्षण प्रतिमान, सामाजिक अंतर प्रक्रिया स्रोत जो होते हैं सोशल इंटरेक्शन सोर्सेज, उसमें शिक्षण प्रतिमान, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, जूरिस्प्रूडिशियल मॉडल, सोशल इंक्वायरी मॉडल एंड लेबोरेटरी मॉडल। उसके बाद सूचना प्रक्रिया के जो स्रोत हैं उसमें आप लोगों कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंडक्टिव मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल और बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल। उसके बाद आते हैं व्यक्तिगत स्रोत में पर्सनल सोर्सेज, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, इसमें क्लासरूम मीटिंग टीचिंग और सिंटैक्टिक टीचिंग, अवेयरनेस ट्रेनिंग। नेक्स्ट है आप लोगों का व्यवहार परिवर्तन स्रोत जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन सोर्सेज हैं, सक्रिय अनुकूलन प्रतिमान, ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग जो कि अभी हमने बात की। उसके बाद आता है ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान जो हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो हैं, उसमें सोक्रेटिक टीचिंग मॉडल है, सुकरात का शिक्षण प्रतिमान, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान द क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक टीचिंग मॉडल, व्यक्तिगत विकास का शिक्षण मॉडल द पर्सनल डिवेलपमेंट मॉडल, एंड नेक्स्ट है आपका फिलोसॉफिकल टीचिंग में प्रभाव प्रतिमान, द इम्प्रेशन मॉडल, साइट मॉडल एंड द रूल मॉडल। नेक्स्ट इज मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान जो साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग है, इसमें बेसिक टीचिंग मॉडल, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल। तो काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जो कि आप लोगों को एक बार अगर आप गो थ्रू होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया रहेगा कि ये सारी चीज़ें भी आपकी सिलेबस में आप लोगों को पढ़नी है और आप लोग इसे याद कर लेंगे। विद्यालय अधिगम का शिक्षण प्रतिमान जो है टीचिंग मॉडल फॉर स्कूल लर्निंग, अंत प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान, इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, अध्यापक शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान जो है मॉडल्स फॉर टीचिंग एजुकेशन, इसमें टबाज मॉडल ऑफ टीचिंग, टर्नर्स मॉडल ऑफ टीचिंग, मॉडल ऑफ वेरिएशन इन टीचिंग ओरिएंटेशन, फॉक्स लिपिट्स मॉडल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आप लोगों को याद रखना है जो टबाज मॉडल ऑफ टीचिंग एंड ग्लेसर्स बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग, सक्रिय अनुकूलन प्रतिमान, ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल जिसे कहा जाता है, सिंटैक्टिक और क्रिएटिव टीचिंग मॉडल, अग्रिम संगठक प्रतिमान या एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल्स। सो इतनी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कवर कर ली है, होपफुली कि आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी। और आप लोगों का जो कोर्स है क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें हैं तो आप लोगों को एक बार इससे गो थ्रू जरूर हो जाइए और जब आपके एग्जाम हो तो आप इन्हें अच्छे से कर पाएँ, अच्छे से अपना आंसर सेलेक्ट कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले लेसन।